आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है माइक्रोमैक्स IN1B एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और ये सेटिंग जो है ऑन इनेबल होने के बाद कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है और इसके बाद जो आपको सेटिंग पेज में नीचे की साइड में डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्प्ले पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले के इस पेज में नीचे की साइड में लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, लॉक स्क्रीन पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको सबसे नीचे वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके सामने एक बटन है, आपको इसे सेलेक्ट करके इनेबल कर लेना है। अभी सेटिंग जो है इनेबल हो चुकी है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन जो है ऑफ कर दी है, ठीक है, तो ये स्क्रीन ऑफ हो चुकी है। अब मेरे मोबाइल फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, यानी कि लॉक स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे मोबाइल फ़ोन की जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और मुझे नोटिफिकेशन दिखने लगेगा, ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन के साथ जो है मोबाइल की लाइट भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो है इसका नाम वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन है। तो ये सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है आपके माइक्रोमैक्स IN1B एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में।